बेबी हाँ? तुम बता चेरी ने क्या किया? क्या? ये पिछले जन्म में क्रिकेटर थी, आज किसी की क्रिकेट का बॉल चोरी करके लाई है। हमको पता नहीं था कि इतनी जल्दी भाग क्यों रही है घर। दिखा जरा। अरे तो प्रॉपर क्रिकेट का बॉल हो तो देख लेना। तो प्रॉपर क्रिकेट वाली बॉल है। अच्छा बॉल मिल गई इसलिए जल्दी जल्दी भागना चाह रही है। हाँ, तो चलो चलो घर चलते हैं फटाफट, कोको को बाद में घुमा देंगे। इधर तुम देखो, देखो उसकी आंखें, देखो उसकी आंखों में ना खून सवार है। ये देखो इंडिया को जिताना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। छोटी हैप्पी दिवाली, सुबह का दिन है, यहाँ पे पीछे पूजा हो चुकी है और मैं आपको दिखा देती हूँ सबके सब, मम्मी पापा अविनाश ये रहे सारे के सारे। गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, छोटी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली। और यहाँ पे एक डोसा है जिसको सब एक के ऊपर एक डाल रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि दूसरा डोसा जो है वो एक घंटे के बाद आएगा, क्योंकि डोसा पकने में बहुत टाइम लगा रहा है। तो सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं, बेटा तुम खाओ, बेटा तुम खाओ, कोई नहीं खा रहा है इस डोसे को। पापा आप तो खा लो, आता होगा दूसरा। पापा अभी उसी स्पीड से खा रहे हैं जिस स्पीड से वो आ रहा है, ताकि टाइमिंग मैच हो जाए। और यहाँ पे ये दोनों बैठी है बिल्लौटिया फ्रूट के चक्कर में। मैं फ्रूट मांग रही है क्या? हाँ, दे रही हूँ। तो इन बेजुबानों को पता है कि फ्रूट क्या चीज होती है? हाँ, इसको इसको नहीं पता। मैं किसी को नहीं पता। नहीं नहीं पापा, मैं तो खाती हूँ, मैं खा लेती हूँ, मेरे को बहुत शौक है, ऐसा नहीं है। वो बेचारे खुद अपना इंतजाम अपने आप कर रहे हैं। मम्मी जिस चाकू से काट रही है उसी चाकू से खा रही है, देखो ये देखो। अब कौन जाएगा चम्मच लेने? और उसी चाकू से मिल रहा है इन दोनों छोटों को। इस घर में सिर्फ कुत्ते फ्रूट्स की इम्पोर्टेंस जानते हैं। अरे जैसे लेके बैठूंगी खीरा चाय खा, फट आ जाती है। चेरी ना कहीं यार की तरह बिल में छुपी हुई थी, जैसे उसने देखा कैंडी को पपीता मिल रहा है, कहीं बिल में से निकल के आ गई। बेबी आज छोटी ने जो किया है ना, आतंक मचाया है, बताओ ना सबको। अब तो पापा वो ऑब्जर्व, जैसे आप रूम में आ रहे हो ना तो आपको गेट से फॉलो कर रही है अपनी आंखों से। हाँ, कहाँ गया, क्या उठाया, क्या रखा, अब उसको सब समझ में आ रहा है। सब समझ में आ रहा है। वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। ले लो ना, ले बेबी खा लो ना, अच्छा होता है। एक, एक, मेरा गलत ना हाँ, मम्मी 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 संतरा इसको मत दो, सच में संतरा मत दो, ये तो मैं भूल गई। तो जी फाइनली संभावना का भी डोसा आ गया है, लेकिन यहाँ बात ये चल रही है कि सोच समझ के खाइएगा, दूसरा आने में वक्त लगता है क्योंकि ये डोसा है। अरे तो मुँह में कुरकुरा आ गया एकदम। पापा अपने डर के मारे खा नहीं रहे, देखो आप मेरी बात मानो। नहीं नहीं ठीक, यहाँ के लोग मेरी बात तो सुनो, हाथ लगाओ ना इसमें। नहीं, यहाँ से हाथ लगाओ और चटनी साथ दे रहे बेटा, दे रहे। कैंडी तो मम्मी को फ्रूट ही नहीं खाने दे रही है, पता है सारा खा गई। कैसा खाना दीदी? बहुत बढ़िया। तो जी छोटा बेबी अंदर इतनी जोर से रोया है, इतनी जोर से रोया है कि उसको बाहर लाना पड़ा है। और कैंडी इधर पपीता खा रही है, कह रही मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, तो उसको यहाँ लाएं दूध पिलाने। और कैंडी को एक तरफ से पपीता खिलाया जा रहा है, उसको दूध पिलाया जा रहा है। इतनी तेज रोई है ना अंदर, तुम्हें आवाज सुनाई दी? अरे ऐसा लगा कोई बड़ा कुत्ता रोया है, मतलब ये अपनी मनवाती है पूरी। इसको भी तुम कैंडी जैसे ना वो बिगाड़ रही हो, पता है। मैं भी अंदर गया था ना, तो सोते सोते ना सपना देख रही थी, सपने में मुंह चला रही थी, मतलब सपने में भूख लगी थी, उसको दूध पी रही थी, अब हकीकत में मिला उसको। उठते इसने इसलिए हंगामा मचाया। तो जी छोटी दिवाली की खुशी में आया है घर में डोमिनोज पिज्जा। डोमिनोज पिज्जा खाएंगे सारे मिलके, ये देखिए। आइए दोस्तों सारे मिलके खाएंगे। अरे पिज्जा के साथ काढ़ा पी लेते हैं। तुम पियो, गला खराब है। और मैं तो काढ़ा नहीं पीऊं चाय। मम्मी के मुंह से चाय का नाम निकला भाई। हाँ, क्योंकि मैं सुबह एक ही बार पी। ये है कॉर्न पिज्जा, वेज ऑलिव्स का कुछ पनीर। हाँ कुछ ऐसा ही है। ये है कॉर्न पिज्जा, ये है क्यों पिज्जा, ये कॉर्न पिज्जा, ये हम कॉर्न पिज्जा, तुम कॉर्न पिज्जा। तो जी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर माँ बेटी कैसे सो रहे हैं। अविनाश चला गया अपना हेयर कट कराने के लिए और मैं बैठी हूँ रूम में, अभी जाके देखूंगी कि पापा मम्मी क्या कर रहे हैं। और ये दोनों अब उठी 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 थोड़ा सा उठी, वो भी हिली, एक दूसरे को दबा के सो रही थी। मतलब बेटी को इसने बिल्कुल पैर के नीचे रौंदा हुआ था। लेकिन इसकी बेटी भी कम नहीं है ना, ये छोटी भी कम नहीं है ना, छोटा मैं बेबी कम नहीं है, मम्मा का छोटा बेबी है ना ये, अपनी मम्मा का। सो भी गई, सीरियसली सो गई। अरे तो मैं उठती हूँ और थोड़ा सा देखती हूँ अगर चाय वाय चला मिल जाए, कोई चाय बना के दे। I'm sure बहुत लोग ऐसे अंगड़ाई लेते हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, मुझ पे हैरान होने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग ऐसे ही अंगड़ाई लेते हैं। मेरे कान में ये क्यों है, मैं कुछ सुन नहीं रही थी। तो क्या हुआ चुना, क्यों हाफ रहा है, क्या हुआ, क्या हो गया? मम्मा पास में ही आपके, मम्मा पास में, मम्मा, अरे 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 बेटी पे लेट गई बेटा, छो जा, मम्मा बिल्कुल पास में, मम्मी छोड़ के कहीं नहीं जा रही है। एक तो ये इतनी इनसिक्योर हो रही है ना कि मैं इसको कहीं भी हल्का सा बाहर निकलूं तो इसको लगता है मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ। चल मम्मी पापा को यहीं पे बुला के लाती हूँ। दोनों सो रहे हैं। पापा चाय बनवाऊं? मम्मी सो गई है।
अरे 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 सो गई थी क्या? नहीं ऐसे ठंडा लगने लग गया, तुम बोली एसी बंद कर दो। क्यों? ठंडा लग रहा था। टब्बे ठीक है? ठीक है एकदम। चलो आ जाओ वहाँ पे, अविनाश तो है नहीं। कहाँ गया? अच्छा उसको जाना था। हाँ उसको हेयर कट कराना था। चलो जाओ हाँ देख लो बिस्तर के ऊपर बिस्तर लगा है। आइले मिला चैलू मामा भी आ गया, चैलू बाबा भी आ गया भाई। आ जाओ इधर बैठ। चल ये हाफ ज्यादा रही है मम्मी, है ना पता नहीं क्या अनइजी हुई है थोड़ी। मुझे भी लग रहा है क्यों हाफ रही है बीच बीच, है ना? नहीं बहुत ज्यादा ही हाफ रही है आज। तो जी अभी अभी डिसाइड हुआ है कि मैं और पापा कैंडी को लेके थोड़ा सा एक ड्राइव पे जाएंगे, सिर्फ कैंडी को लेके, क्योंकि कैंडी की जो हालत है मेरे को ठीक नहीं लग रही है, और आई थिंक घर में बैठे बैठे उसको बिल्कुल नहीं नीचे ले जाया जा रहा, इसलिए इसकी हालत खराब है। बट उसकी केयर के लिए, ताकि बेबी को भी इन्फेक्शन ना हो, हम उसको ऐसे उठा के लेके जाएंगे और ऐसे उठा के लेके आएंगे एक राउंड ही दिलवा के। मीनवाइल शायद अविनाश का काम हो जाए तो अविनाश को भी पिकअप कर लेंगे हम। मिलते हैं दोस्त। तो जी अविनाश को तो टाइम लग रहा था, अविनाश का भी फोन किया था, उसको 10 मिनट और लगेंगे, तो हमने सोचा कि एक एक कॉफी उठा ली जाए। तो अभी एक एक कॉफी अभी गाड़ी में ही आ जाएगी, तब तक कैंडी मैं और पापा यहाँ पे गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं और गाड़ी में ही बैठ के हम लोग कॉफी इंजॉय करेंगे। बाकी फिर अविनाश बाद में मिलता तो मतलब अविनाश के साथ मिलेंगे आपको, है ना कैंडू? अच्छा लग रहा है गुम्मी करके, पापा की गोदी में बैठ के गुम्मी गुम्मी करके अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा फील कर रही है पापा ये, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा अलग लग रहा है, है ना? आपने घर में जैसे इसको घूमी घूमी बोला है, हाँ। ये गर्दन ऐसे 360 डिग्री पे घूम रहा था, हाँ, जैसे हाँ। कैमरा घूम जाता है ना, हाँ। वैसे, हाँ। और कई बार किया इसने घूमी घूमी, तो बहुत अच्छा लगता है छोनू को घूमी घूमी, कल के आए तो अभी तो बहुत अच्छा लगेगा, अभी खेलेंगे हम घर पे। 3 हफ्ते बाद निकली है तो हमारे बेचारी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो जी ये आ गई पापा और मेरी कॉफी, दोनों चीयर्स कर रहे हैं। चीयर्स। मम्मी घर पे छोटा बच्चा संभाल रही है, छोटा बेबी मम्मी संभाल रही है, और हम यहाँ पे इंजॉय कर ले हैं कैंडी मामा के साथ। छोटा बेबी को बाहर नहीं ला सकते थे ना। और ये आ रहा है सामने से अविनाश। बेबी तुम एक काम करो, ड्राइविंग सीट पे आ जाओ, मैं पीछे जाती हूँ। कैंडी को ले लो, कैंडी को लेके। बाल कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं, है? हाँ अच्छे लग रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। कैसे लग रहे हैं पापा? बहुत अच्छी कटिंग की है। आलो जी मैं पीछे आ गई, कैंडी मम्मा के पास आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ मम्मा के पास। किसकी कॉफी है? मेरी। एक सिप तुम भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेबी आज ये इतना ज्यादा परेशान हुई है कि इसको लाना ही पड़ा, मतलब पापा से पूछो कि आज इसको खड़ा कर देना थोड़ा। तो मैंने अभी खड़ा किया है, बस हो गया। तुमने कैसे किया खड़ा? मतलब पापा ने किया है, मैंने भी किया थोड़ी देर, फिर अभी इसको थोड़ा सा बाहर, अब इसको ऐसे उठा के अंदर ले चलेंगे। थोड़ा खुश लग रही है, छोटा बेबी को मम्मी ने संभाला हुआ ना। मैं आया तो इसके थोड़े फेस एक्सप्रेशन ना आज अलग लग रहे हैं। हाँ बेबी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितनी हताश थी। घर में बैठे बैठे डिप्रेसिंग तो हो जाता है ना, हमें ही हो जाता है, तो वो तो जानवर है, उनको तो घूमना पसंद है। तो जी हम लोग आ गए हैं, कैंडू मामा को एक ड्राइव दे दी है। आज कैंडू मामा थोड़ा सा अपने सेंसेस में आया है, आज ये मॉडर्न माँ बनी है, बच्चे को छोड़ के घूमने निकली है, वरना देसी माँ थी। आईब्रो फेशियल करा लो। हाँ जी कैंडू के हाथ पैर धुल गए, अब कैंडू को मिलाया जाएगा छोटा बेबी से। बेबी वो एकदम परेशान है कि पहले बच्चा मिलाओ मेरा, बच्चा कहाँ है एक बार देख लूँ मैं। कैंडी का मन बहुत ठीक हो गया, मम्मी बहुत खुश है। देखना वो आते ही ना कैंडी कैसे पगला के आएगी इसके बाद। बाल अच्छे लग रहे हैं ना, छोटे करा लिए, छोटे रखो, छोटे रखूं? मुंह ढक जाता है पूरा, अच्छा नहीं लगता। छोटा बेबी की मुंह उठाया हुआ है, संभावना की आवाज सुन के गर्म। हाँ रोया ही, आवाज दिया। छोटा बेबी की मम्मी आ गई, मम्मा आ गई, छोटा बेबी की मम्मा आ गई। ये देखो देखो ये कैसे भौंकी है अपनी माँ की, वो आते ही स्मेल भौंकी है ना। हाँ आती भौंकी है, क्या आवाज दी है, वो तो भूखा है, आवाज निकाल। क्या है क्या? ये पिछले जन्म में क्रिकेटर थी, आज किसी की क्रिकेट का बॉल चोरी करके लाई है, हमको पता नहीं था कि इतनी जल्दी बात क्यों रही है घर। चोरी नहीं कहा गई है, इसको मिल गया। नहीं नहीं तो इसी को कैसे मिला, देखो क्रिकेट का बॉल दिखा, बॉल दिखा, दिखा जरा। अरे तो प्रॉपर क्रिकेट का बॉल होता है, देख लेना। तो प्रॉपर क्रिकेट वाली बॉल है, पहल है। ये देख लो बताओ ये क्या है। ये घर में बच्चा आ गया और ये अभी तक बच्ची है, और पापा को पता भी नहीं है कि ये क्रिकेट की बॉल के साथ घूम रही है। तो मैंने दूर से देखा, मैंने कहा ये क्या है, ये लाल लाल क्या दिख रहा है चेहरे के मुंह में, और पापा को पता भी नहीं। एक झपट्टा तो मारी एक जगह, ये लिफ्ट की तरफ आ रही थी, मैंने कहा अभी ये जा क्यों रही है, अपने आप तो जाती नहीं है, ये वहां से देखो उसको देखो सिर्फ। अच्छा बॉल मिल गई इसलिए जल्दी जल्दी भागना चाह रही थी। हां तो कहती चलो चलो घर चलते हैं फटाफट, कोको को बाद में घुमा देंगे। इधर तुम देखो देखो उसकी आंखें, देखो उसकी आंखों में ना खून सवार है, ये देखो इंडिया को जिताना है। दे दो दे दो। चल
मेरे पैर धुलवाऊं तेरे, चल आई बड़ी साथ ही पैर धोएगी ना। ये ले, पता नहीं किस बच्चे का होगा बेबी, हम मांगने आएंगे बच्चे, किसी का महंगा बॉल है क्रिकेट का बेबी, ये देखो भारी बॉल है, बॉल ही चुरा ले बेबी, हमारे घर में कितनी चोरी की बॉल है। दोस्तों भी बज गए रात के 10 और मैं कहीं बाहर चला गया था थोड़ी देर के लिए और काफी टाइम लग गया मुझे, कुछ दिवाली के लिए कुछ फ्रेंड से मिलना था और मैं घर पे आया तो सब लोग ऑलरेडी सो चुके हैं, पीछे संभावना भी सो चुकी है, मम्मी पापा भी सो चुके हैं, बच्चे भी सो चुके हैं, छोटा बेबी भी सो चुका है, तो हम लोग आपको मिलते हैं कल। टिल देन वेरी हैप्पी दिवाली एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना सेट एंटरटेनमेंट। और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरा हेयर कट कैसे लगा, अभी तो मैंने स्टाइलिंग नहीं की है लेकिन मैंने बाल थोड़े छोटे किए और थोड़ा मेसी रखा है, बियर्ड भी छोटी कर ली है, इसके बारे में जरूर बताना।